डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं स्पेशल सिर्फ 7 मिनट के अंदर। आप हैरान होंगे कि 7 मिनट के अंदर भी गाजर का हलवा बनाया जा सकता है, लेकिन हम बनाएंगे, आप देखिए जरूर। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा सिर्फ 7 मिनट के अंदर। मिनट में गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये ली है गाजर। 1 किलो गाजर को अच्छे से धोकर छीलकर मैंने ग्रेट कर लिया है। इसकी मैंने वीडियो पहले दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। बहुत ही इजी, इसको मैंने चॉपर में चॉप किया है, करने में मेरे को 2 मिनट भी नहीं लगे। इसके बाद मैंने ये लिया है 1 बाउल मावा, ये मैंने घर का बना हुआ यूज किया है। 1 किलो गाजर मैंने ग्रेट की थी और 1 किलो ही दूध का मैंने ये बनाया हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने दे रखी है कि 3 मिनट में कैसे बनाएं। और ये 200 ग्राम मैंने शुगर ली है, 1 किलो गाजर के अंदर 200 ग्राम शुगर यूज की है मैंने। 1 चम्मच देसी घी है, आप चाहें तो लें चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं जो नहीं घी यूज करते। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर लिया है और ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, बादाम और काजू, आप चाहें तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, इसे कैसे बनाया जाता है 7 मिनट के अंदर। सबसे पहले मैंने कुकर को गैस पे रख लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी है, फ्लेम हाई रखी है मैंने। कुकर के अंदर हम ये गाजर डाल देंगे जो मैंने चॉप करके रखी है, आप ग्रेट भी कर सकते हैं बट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। सर्दी का मौसम है और गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसे बहुत ही इजी वे में बता रही हूँ कैसे बनाया जा सकता है। आप झटपट इसे बनाकर इसका मजा ले सकते हैं। और ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शुगर, साथ ही मैंने डाल दी है इलायची का पाउडर और साथ ही मैं डाल रही हूँ देसी घी। देसी घी आप पहले भी डाल सकते हैं बाद में भी डाल सकते हैं, और मैं साथ ही सारा कुछ डाल रही हूँ। बहुत ही इजी वे है ये, सारी चीजों को मैंने इस तरह से हिला दिया है, आप देख रहे हैं मैंने इसमें पानी का यूज नहीं किया बिल्कुल भी। कुकर को हम बंद कर देंगे, हाई फ्लेम के अंदर मैंने 2 विसल लगवानी है। 2 विसल लगने के बाद कुकर को एज इट इज बंद ही रखना है, अपने आप जब स्टीम निकल जाएगी तब मैंने कुकर को खोलना है। 2 विसल के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दी थी और आप देख रहे हैं स्टीम पूरी तरह से अपने आप निकल चुकी है। तो हम इसे खोल के एक बार चेक कर लेते हैं, आप देख रहे हैं जो गाजर है हमारी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। और अब इसके अंदर हल्का हल्का पानी जो है वो चीनी जो है अपना पानी छोड़ देती है, तो हम फ्लेम को ऑन करेंगे एक बार। इसे हमने ढकना नहीं है, कवर नहीं करना। इसके अंदर हम डालेंगे मावा जो हमने तैयार कर रखा है, ये हमने सारा मावा डाल दिया है और साथ ही हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट रख लेते हैं गार्निश के लिए, कितना अच्छा कलर बन के आया है। तो हाई फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे, पानी इसका पूरी तरह से सूख जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो इसके अंदर दूध या पानी है, मावे के अंदर जैसे दूध होता है थोड़ा बहुत, और पानी बिल्कुल सूख चुका है। ये गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। एक बार हम इसे हिला लेते हैं, मैंने बीच बीच में इसको हिलाया है ताकि ये नीचे जल ना जाए, उससे फिर फ्लेवर जो है वो खराब हो जाता है। ये गाजर का हलवा हमारा तैयार है, इसे हम सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं सर्व करने के लिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है, गर्मा गर्म सर्दी के अंदर बहुत ही अच्छी है, स्वीट है। डिनर करने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है स्वीट्स के अंदर। इसे हम गार्निश कर देते हैं काजू और बादाम से, आप चाहें तो आप पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं आप। तो आपने देखा है कि इसे बनाने में टाइम नहीं लगा ज्यादा, इसे टोटल मेरे को 7 मिनट लगे हैं बनाने में। आपको ये वे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा, आप इसे घर पर ट्राई जरूर करें। इसी वे के साथ आप इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।